चाहते हो, ये पहली माँ का पहला बच्चा तुम्हें कहाँ से दे रहा हूँ? कहाँ से ये बच्चा किसी और का नहीं है, ये बच्चा महारानी कमला का है। महारानी कमला, महारानी कमला का बच्चा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आप आइए। इस राजकुल का दीपक आज महाराज का खुद का बच्चा जिसका प्रदान करवा रहे विक्रम सिंह के रहते ही ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरा फर्ज है कि मैं इस राज के उत्तराधिकारी को बचाऊंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, भगवान तुमने मुझे एक बेटी दिया है जो इस बच्चे के समान ही है। 16 साल को मालूम नहीं हो पाएगा, और आज मैं महाराज के बच्चे को बचाऊंगा। इसके बदले में अपनी बेटी का बलिदान करा दूंगा ताकि अगर मेरी बेटी दुनिया में नहीं रहेगी तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन महाराज के कुल का दीपक अगर चला गया तो इस राज का उत्तराधिकारी कौन होगा? अब मैं बच्चे को अभी तुरंत बता देता हूँ। माँ बाप इतना भटकते हैं, इतना परेशान होते हैं। इतने वर्षों के बाद तुमने मेरे घर में एक बेटी का जन्म दिया और आज मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी बेटी को अपने ही हाथों से मरवाने जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी बेटी को बचाता हूँ तो मेरा फर्ज है, मेरा नाम क्या होगा जो आज तक महाराज के साथ वो अपने गाड़ी से निभाया? अब मैं महाराज के नमक का फर्ज अदा करूंगा, अपने जान से प्यारी अपनी अपने बच्चे का बलिदान करा दूंगा। लेकिन महाराज के कुलदीप को जरूर बचाऊंगा। यही है वो चंपा महल, यही है चंपा महल। इस महल के द्वार पर उस जोशी ने बताया कि बच्चे का बलिदान होना चाहिए तभी चंपा महल बन सकता है। ये लो अपने हाथों से इस बच्चे का बलिदान करो। मेरे ही हाथों से इस बच्चे का बलिदान करवाओगे मंत्री विक्रम से? अरे मैं तो सोचता हूँ कि तुम ही इस बच्चे का बलिदान कर दो। 16 साल आप हमेशा, क्योंकि महाराज वसंत मुझे पहली माँ का पहला बच्चा लाने के लिए कहा था, बलिदान देने के लिए नहीं। इसलिए इस बच्चे का बलिदान तुम अपने हाथों से ही करोगे। मैं इस बच्चे का बलिदान करूंगा।
उनके भाई के नाम होने वाली है।
ये कौन करता है मेरी रानी? मुझे श्रद्धा होती क्योंकि तुम्हारे प्यार का हमारे पेट में पल्ला है, क्योंकि तुम्हारा बच्चा हमारे पेट में पल्ला है। हमारा बच्चा जी, हमारा बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है। आखिर तुम चाहती क्या? मैं यही चाहती हूँ कि ये रात बाद हमारे नाम हो जाए, उसके बाद जब मेरा संतान होगा तो मैं उसके नाम कर दूंगी। हमने तुमसे प्यार किया है मेरी जान, किसी दूसरी से नहीं। अरे तुम्हारे लिए जब हम अपनी ब्याही रानी को भगा सकते हैं, तो राजपाट तुम्हारे नाम क्यों नहीं लिख सकते? अभी और इसी वक्त हम लिख देते हैं, फौरन लिखेंगे, फौरन। इधर एक कागज और कलम लेकर आओ। बहुत हमारे दिल में सोते बैठे जाते सिर्फ तुम्हारे रहते हैं। और बेचारी की तेरे प्यार में दीवाना कर दिया, इसीलिए तो कहने वाली हूँ। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बात कहूँ और आप बुरा तो नहीं मान जाएंगे। ऐसी बात है कोई ऐसी बात किसी को आपके सामने पेश करना चाहती है? ऐसी क्या बात है? बोलो, जल्दी बोलो। मैं किसी से आपको मिलाना चाहती हूँ। किससे? अरे कोई है खास है? कोई मेरा खास है? हमसे ज्यादा बड़ा खास है? अरे तुमसे ज्यादा बड़ा कोई खास नहीं। मैं उनको बुला कर लेती हूँ, तो भी मिलाओ ना। चंपा एक
यार बुड्ढे से प्यार करती है, आज चंपा तुझसे नहीं तेरी दौलत से प्यार करती थी, और तुझसे सबका चंपा प्यार नहीं, तेरे मुंह पे तो थूकेगी नहीं चंपा। और ये जो मेरे पेट में चल रहा है ना, ये तुम्हारा नहीं, ये हमारे राजा जी का। क्या इसको भी आपने लिख दिया तालाब को? सब कुछ लिख दिया। बारह कोस पूरब, बारह कोस पश्चिम, बारह कोस उत्तर और बारह कोस दक्षिण, जहां तक हमारा राज है सब कुछ इसके हवाले कर दिया। इन्हीं हाथों से तेरी कहने से
मैंने अपने भाई को बर्बाद कर दिया। भावर से मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, इलाके से बात करूंगी और भावर से तुझे रात से को देखकर हमें नफरत पैदा हो रही है, क्योंकि ये हमारे प्यार में साला रोड़ा बनता जा रहा है। इसलिए मुनिलाल इसके हाथों में हाथ बड़ी लगा दो और इसके पदों पर शाही पोशाक उतार लो। ताज ताज अब ये इसकी मरने की बारी आ गई है। सोलह सिंह हम जरूर मरेंगे, क्योंकि मरना ही हमारी जिंदगी में लिख गया है, लिख दिया है तूने। खत्म कर दे मुझे, लेकिन एक बार मेरी पत्नी कमला और मेरे छोटे भाई कुंवर से मुझे मिला दे। हम ऐसा करेंगे प्यार कि दुनिया याद करेगी, कहते कि कोई मेरा सगा नहीं और जिसको इस चंपा ने, अरे वो तो हम जानते हैं ना, लगा ये तो भारत पुराना स्टाइल है। और निशाना लगाओ हराम बाबा सिंह मारने के लिए तैयार हो रहा, क्योंकि तेरी अंतिम घड़ी आ गई है। और न
दावेदार हूँ। इस रियासत में खाधा खाधा दे करके दाढ़ी बढ़ा दी, अच्छे खासे शरीर बना दिया। जिस रियासत में खाते हो, अरे के कहने का मतलब जिस पत्तल में खाते हो उसी में छेद करते हो। आप तुम्हारी सारी गुंडाई खत्म। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी बदन में सारी लिबास और चेहरे को तुम ढके हुए हो, आखिर हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है जो हमारे बीच में और रोड़ा बनकर खड़े हो गए हो? बहुत प्यारी दुश्मनी है हमारी तुम्हारी। हम सदर आज तक जिस सच ने इस रियासत की तरफ गंदी नजर करके देखा ना, उस सच को हमने हमेशा के लिए मिटा दिया। और आज दुनिया की कोई ताकत चुपके पता से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम काल हो। राज को राज रहने दो।